अब अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आई होप आपने इसका पिछला पार्ट देख लिया है, और अगर नहीं तो इसका लिंक मैंने आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, जिसे देखना ना भूलेगा वरना ये वीडियो आपके पल्ले नहीं पड़ेगी। अब फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि जिस नाइफ को लाने के लिए बोरियल ने कहा उस नाइफ का नाम सबटाइल नाइफ है, जिसका इस्तेमाल कभी अच्छाई के लिए नहीं किया गया, जिसकी वजह से स्पेक्टर वहाँ आए और वहाँ के इंसानों को अपना शिकार बनाने लगे। उस नाइफ के अंदर इतनी शक्ति है कि उसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। वहीं इधर लीरा की दुनिया में मली को देखते जो जेल से भागने के बाद एक नदी के सहारे ग्रूममैन को ढूंढने निकल पड़ता है, और उधर लीरा और विलियम सिटी ऑफ स्पेक्टर्स में मौजूद उस टावर के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, और काफी ढूंढने के बाद उन्हें शहर में एक दरवाजा मिल जाता है जिससे वो टावर के अंदर जा सके। वो दोनों अब उस दरवाजे से होते हुए टावर के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां से ऊपर जाने पर उन्हें दो आदमी मिलते हैं, जिसमें से एक आदमी टूलियो जिसके पास वो सबटल नाइफ थी उसने दूसरे आदमी को बंदी बनाकर अपने साथ इस टावर में कैद कर रखा था, जहां वो बुजुर्ग आदमी अपने आप को सबटल नाइफ का रक्षक यानी कि बैरर बताता है, और जो दूसरा आदमी टूलियो इस टावर में उसने उस बुजुर्ग आदमी से नाइफ चुरा लिया था, जिसके बाद से टूलियो ने बुजुर्ग आदमी को यही टावर में कैद करके रखा है। अब जैसे ही लीरा और विलियम बुजुर्ग आदमी को आजाद करने बढ़ते टूलियो नाइफ से विलियम पर हमला कर देता है, जो नाइफ इतनी तेज थी कि वो एक ही बार में पत्थर को भी अलग कर दे, और विलियम उससे बहादुरी से लड़ता है और आखिर में उससे नाइफ छीन लेता है, लेकिन लड़ाई के दौरान उस नाइफ से विलियम की दो उंगली भी कट जाती है, जिस जख्म को देखकर विलियम वहीं बेहोश हो जाता है। अब होश आने पर विलियम अपने सामने लीरा और नाइफ बेरर को देखता है, जहां नाइफ बेरर विलियम को बताते कि यहाँ से सबटाइल नाइफ और विलियम की रक्षा में है, और विलियम ही अब उस नाइफ का नया बेरर है, क्योंकि नाइफ को पता होता है कि उसे कब एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना है, और नाइफ ने ही विलियम को अपना अगला बेरर चुना है। वहीं दली नदी और पहाड़ों की लंबी सफर तय करने के बाद आखिरकार ग्रूमैन तक पहुंच जाता है, जहां ग्रूमैन ली को बताते हैं कि पूरे संसार में एक नया बदलाव आने वाला है जो ईजल लेके आएंगे, और इसमें उन्हें ईजल की मदद करनी है जिसके लिए उन्हें सबटाइल नाइफ की जरूरत होगी। पर ली इतनी दूर सिर्फ लीरा के लिए मदद मांगने आया था, न कि ईजल की मदद करने। अब ली का एक अनजान बच्ची के लिए ऐसी चिंता देख कर ग्रूमैन उसकी मदद के लिए मान जाते है, क्योंकि ग्रूमैन का भी लीरा की उम्र का एक बेटा है जो विलियम है। ग्रूमैन बताते कि कई साल पहले उन्होंने अपना काम समाप्त करके वापस अपनी दुनिया में अपने पत्नी और बेटे के पास लौटना चाहा, पर तब तक बहुत देर हो गई थी क्योंकि जिस दरवाजे से वो इस दुनिया में आए थे वो बंद हो गया था, जिसके बाद से वो कई सालों से यही है। इधर वो पुराने बेरर विलियम को नाइफ इस्तेमाल करना सिखाते है, जहाँ वो बताते है कि नाइफ की एक साइड दुनिया के किसी भी चीज को काट सकती है और वही दूसरी साइड एक अलग ही दुनिया का दरवाजा खोल सकती है, जिसके बाद वो विलियम को शांति मन से ध्यान करने को कहते हैं, और नाइफ को देखकर और पूरे शक्ति से दूसरी दुनिया का दरवाजा खोलना और बंद करना सिखाते हैं। पर विलियम इन जिम्मेदारियों के लिए बहुत छोटा था, लेकिन वो हार नहीं मानता और कई कोशिशों के बाद दूसरी दुनिया के दरवाजे को खोलना और बंद करना सीख जाता है। अब ये सब सिखाने के बाद वो विलियम को कुछ नियम बताते हैं कि कभी भी पुराने दरवाजे को बंद किए बिना एक नया दरवाजा ना खोलना, और इस नाइफ के बारे में वो सारी बातें खुफिया ही रखे। इसके अलावा इस नाइफ को किसी को भी ना दे, क्योंकि अगर गलती से भी ये नाइफ किसी गलत हाथों में पड़ गई तो इसका असर पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसलिए विलियम उनसे वादा करता है कि वो इस नाइफ के लिए एक अच्छा बेरर बनेगा, जिसके बाद अब पुराने बेरर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उनका काम यहीं पर समाप्त हो गया था। उधर लीरा की दुनिया में बोरियल मिसेज कूटलर से मिलते है, और उन्हें बताते है कि उन्हें पता है कि आखिर लीरा कहाँ है। वो मिसेज कूटलर को बता देते है कि उन्होंने दूसरी दुनिया में लीरा को अपनी जाल में फंसा कर रखा है, और जैसे ही विलियम और लीरा उनका उनसे मंगवाया हुआ सामान लेकर आ जाएंगे तब वो लीरा को मिसेज कूटलर के हवाले कर देंगे, और फिर वो मिसेज कूटलर को अपने साथ लिए उसी खुफिया दरवाजे से होते हुए मिसेज कूटलर को अपने साथ दूसरी दुनिया में ले आते। इधर विलियम की दुनिया में मैरी अपने डार्क मैटर पर एक्सपेरिमेंट करने वाली मशीन में कुछ नए मॉडिफिकेशन करती है, और फिर उस मशीन को अपने आप से ही जोड़ देती है, जिससे अब वो मशीन एलिथियोमीटर की तरह काम कर रहा था। मैरी अब मशीन से सवाल करती है कि डार्क मैटर असल में क्या है, जिस पर वो मशीन जवाब देती है कि डार्क मैटर दरअसल कुछ और नहीं बल्कि एंजल्स है जो डस्ट की शेडो मैटर से बनी है। पर इससे पहले कि वो कुछ और जान पाती पावर कट ऑफ हो जाता है। उधर ली और ग्रूमैन ली के एयर बलून के सहारे नॉर्थ की तरफ निकल जाते हैं, जहां एजल ने दूसरी दुनिया में जाने का दरवाजा खोला था। दूसरी तरफ नॉर्थ में विचेस भी मैजिस्ट्रियम के लोगों पर हमला करके उस दरवाजे से होते हुए दूसरी दुनिया में आ जाती है, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि लीरा दूसरी दुनिया में है।
जीसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत विलियम और लीरा से होती है, जो तय करती है कि वो बोरियल को बिना नाइफ दिए उनके पास से एलिथोमीटर की चोरी करेंगे, क्योंकि वो नाइफ बोरियल को नहीं दे सकते थे और बिना नाइफ दिए उन्हें एलिथोमीटर भी नहीं मिल सकता था, इसलिए वो एक प्लान बनाने में लग जाते। उधर मिसिस कोटलर भी विलियम की दुनिया में बोरियल के साथ उनके घर पहुंचती है, जहां बोरियल मिसिस कोटलर को बताते कि कुछ दिनों पहले ही लीरा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर मैरी से मिली थी, जो डार्क मैटर पर रिसर्च कर रही है। जो जानती मिसिस कोटलर यूनिवर्सिटी जाने का तय करती है, क्योंकि वो जानना चाहती थी कि आखिर लीरा के दिमाग में क्या चल रहा है। पर यूनिवर्सिटी जाने के लिए सबसे पहले मिसिस कोटलर को अपना पहनावा बदलना पड़ता है, जिसके बाद वो बोरियल को घर में लीरा का इंतजार करने को कहती है, और जाने से पहले वो अपने डेमन को भी बोरियल के घर में छोड़कर जाने लगती है, जिसे देखकर बोरियल काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी का भी डेमन किसी से इतना दूर कैसे रह सकता है। जिस पर अब मिसेस कोटलर बताती है कि उन्होंने आत्मशक्ति से अपने डेमन को काबू करना सीख लिया है। वहीं अब यूनिवर्सिटी पहुंचकर मिसेस कोटलर मैरी से मिलती है, पर वहां मिसेस कोटलर को मैरी से कुछ खास पता नहीं चलता, इसलिए वो वापस घर चली जाती है। वहीं जब मैरी अपने लैब में बैठी थी कि तभी अचानक से उसके कंप्यूटर से डस यानी एंजल्स उससे बात करने लगती है, जो मैरी को बताती है कि उसे अभी बहुत लंबा सफर तय करना है, जहां उसे लीरा और विलियम की रक्षा भी करनी है, जिसके बाद मैरी का काम वहीं समाप्त हो जाएगा। पर ये सफर शुरू करने के लिए मैरी को हॉर्नबीन जाना होगा, जो बताने के बाद कंप्यूटर वहीं शट डाउन हो जाता है। उधर रात होने पर लीरा और विलियम अपने प्लान की शुरुआत करते है, और फिर लीरा अकेले एलिथोमीटर लेने जाती है। वहीं विलियम सबटल नाइफ से बोरियल के घर के अंदर सीडी और स्पेक्टर से एक नया दरवाजा खोलता है, और घर के अंदर आने पर उस दरवाजे को बंद कर देता है। दूसरी तरफ अब लीरा बोरियल को अपनी बातों में उलझा रखती है, और इधर विलियम एलिथोमीटर को चुराने की कोशिश करता है, पर एलिथोमीटर को लेने से पहले मिसेस कोटलर का डीमन वहां जाता है, जो विलियम को एलिथोमीटर लेने से रोक देता है, जिसकी शोर सुनकर अब लोग वहां पहुंच जाते हैं। वहीं अब लीरा अपनी मां मिसेस कोटलर को भी देखती है, पर ये दोनों अभी बुरी तरह से बोरियल के घर में फंस चुके थे, इसलिए मिसेस कोटलर लीरा को अपनी तरफ करने के लिए उसे एलिथोमीटर वापस कर देती है, जिससे लीरा को ऐसा लगे कि मिसेस कोटलर लीरा के तरफ है। वो अब लीरा से मीठी मीठी बातें भी करने लगती है, और विलियम से दूर रहने की भी सलाह देती है, पर लीरा मिसेस कोटलर की किसी भी बातों में नहीं आती और उल्टा उन पर हमला करके उनसे एलिथोमीटर ले लेती है। इधर विलियम भी बोरियल से लड़ता है और फिर नाइफ की मदद से एक नया दरवाजा खोलता है, जिसके बाद वो लीरा को लेकर उसके अंदर से चला जाता है, और किसी और के अंदर आने के पहले वो उस दरवाजे को भी बंद कर देता है, जिससे उनका प्लान कामयाब हो जाता है। पर अब लीरा के हाथ से निकल जाने के बाद मिसेस कोटलर कैसे भी करके लीरा को अपने पास आती थी, इसलिए वो लीरा को ढूंढने सीडी और स्पेक्टर जाने का तय करती है। ये जानने के बाद भी स्पेक्टर उस पर हमला कर सकते है, उधर मेरी भी हॉर्नबीन जाती है, जहाँ उन्हें दूसरी दुनिया का दरवाजा मिलता है, जिससे होते हुए मैरी भी सिटी ऑफ स्पेक्टर्स पहुंच जाती है। जीसी के साथ ये एपिसोड 5 यहीं समाप्त हो जाती है। अब एपिसोड 6 की शुरुआत विचेस से होती है, जो सिटी ऑफ स्पेक्टर्स दूसरी दुनिया के दरवाजे से होते हुए आ गई थी, जहां उनमें से कुछ विचेस इजेल की मदद करने के लिए वहीं उसे ढूंढने चली जाती है, तो कुछ लीरा की रक्षा के लिए उसे ढूंढती है। उधर दूसरी तरफ विलियम की सबटाइल नाइफ से उंगली कटने की वजह से विलियम की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी, और रात होने पर जब लीरा विलियम के लिए पानी भरने जाती है, तब शहर के सारे बच्चे उस पर हमला कर देते हैं, क्योंकि टूलियो जिसने सबटाइल नाइफ को पुराने बैरियर के पास से चोरी किया था, वो उन्हीं में से किसी एक बच्चे का बड़ा भाई था, और टूलियो सबटाइल नाइफ चाहता था क्योंकि स्पेक्टर उन पर हमला नहीं करते जिनके भी पास वो सबटाइल नाइफ होता है। पर विलियम ने टूलियो से सबटाइल नाइफ को छीन लिया, जिस वजह से टूलियो भी स्पेक्टर का शिकार हो गया। लीरा अब जल्दी से घर के अंदर आकर दरवाजे को बंद कर देती है और विलियम को उठाती है, जिसके बाद दोनों छत पर आ जाते हैं, पर वो बच्चे दरवाजे को तोड़कर ऊपर पहुंच जाते, लेकिन भाग्य से सही समय पर सेराफीना आ जाती है, जो दोनों को बच्चों से बचा लेती है, जिसके बाद वो दोनों को जंगल में ले आती है, जहां विचेस विलियम की जख्मी के लिए जड़ी बूटियां इकट्ठा करने में जुट जाती है। उधर लीरा की दुनिया में ली और ग्रूममैन भी एयर बलून के सहारे दूसरी दुनिया के दरवाजे से होते हुए सिटी और स्पेक्टर्स की दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वहीं इधर मैरी शहर की उन्हीं दो लड़कियों से मिलती है, जो मैरी को बताती है कि उनके माता पिता
पिता स्पेक्टर का शिकार हो गए और जो बचे वो पहाड़ों पर स्पेक्टर से छुपने शहर छोड़कर चले गए। इसलिए अब बस वही अकेले बचे। अब दयालु मैरी उन दोनों की मुश्किलों को समझती है, इसलिए वो उनसे वादा करती है कि वो पहाड़ों में उन्हें उनके माता पिता तक पहुँचा देगी। इसलिए अब वो उन दोनों को लेकर पहाड़ों की ओर निकल जाती है। वहीं विलियम का जख्म बहुत गहरा था जिसे आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता था, इसलिए विलियम के जख्म को ठीक करने के लिए विचेस अपने जादू से उस पर स्पेल करती है। वहीं उधर मिसेस कूटलर और बोरियल भी सीडियो स्पेक्टर्स में पहुंच जाते हैं, जहां बोरियल स्पेक्टर से काफी डरा हुआ था, पर मिसेस कूटलर को सिर्फ लीरा को ढूंढने से मतलब था। दूसरी तरफ लीरा की दुनिया में फ्राय पेवेल को अपने एलिथोमीटर से पता चल जाता है कि लीरा कोई और नहीं बल्कि इस दुनिया के सारे पाप की जड़ है। वो दरअसल सबकी मदर है, यानी कि इस दुनिया की नई मदर ईव। अब ये जानते ही फादर मैकपेल अपने सारे सैनिकों को सीडियो स्पेक्टर्स की दुनिया में दूसरी दुनिया के दरवाजे से भेज देते और सबसे पहले लीरा को समाप्त करने का आदेश देते। वहीं अब स्पेक्टर्स मिसेस कूटलर पर हमला करने आते, पर वो डरती नहीं बल्कि और उनकी तरफ जाती है और किसी तरह से वो सारे स्पेक्टर्स को अपने काबू में भी कर लेती है। अब उन्होंने कैसे उनको अपने काबू में किया इसके बारे में हमें अगले सीजन में पता चलेगा। वहीं द लीरा को भी अपने एलिथोमीटर से पता चल जाता है कि विलियम के पिता यानी ग्रूमेन इसी दुनिया में कहीं आसपास है, इसलिए उन्हें ढूंढने जंगलों में बढ़ने लगती है। इधर मिसेस कूटलर को भी अपने सफर में अब बोरियल की जरूरत नहीं थी, इसलिए वो उनके ड्रिंक में जहर मिलाकर उन्हें मार देती है। दूसरी तरफ मैजिस्टेरियम के एयरशिप्स ली के एयर बलून पर हमला कर देते, पर ग्रूमैन अपनी शक्तियों की मदद से उनमें से एक एयरशिप को समाप्त कर देता है। लेकिन फिर मैजिस्टेरियम के कुछ लोग एयर बलून पर फायरिंग करते जिससे ली और ग्रूमैन का एयर बलून जंगल में क्रैश हो जाता है। जीसी के साथ एपिसोड 6 यहीं समाप्त हो जाती है। अब सीजन 2 के आखिरी एपिसोड 7 की शुरुआत ग्रूमैन और ली से होती है, जो भाग से क्रैश से बच गए थे, जो अब पैदल ही आगे निकल जाते हैं। लेकिन तभी ग्रूमैन को एहसास होता है कि नाइफ का बैरियर भी यहीं कहीं आसपास ही जंगलों में मौजूद है। उधर मिसेस कूटलर भी लगातार लीरा की तलाश कर रही थी और अब तो उन्हें स्पेक्टर से भी कोई खतरा नहीं था। इस तरह विचेस भी विलियम के पिता की खोज में लगी थी, क्योंकि लीरा के एलिथोमीटर के हिसाब से उनका अभी सबसे जरूरी काम यही है। इसलिए सेराफिना एक विच को शहर की ओर भेजती है ये देखने के लिए कि शहर में सारे बच्चे सुरक्षित है या नहीं। अब जब वो विच शहर में जाती है तो उसे वहाँ मिसेस कूटलर मिलती है, जो उस विच से लीरा के बारे में सवाल करती है, और वो विच मिसेस कूटलर को कुछ नहीं बताती। लेकिन मिसेस कूटलर के डीमन ने उस विच के डीमन को पकड़ कर रखा था, इसलिए अब मजबूरन वो विच सब कुछ उगल देती है कि लीरा ही मदर ईव है, जिसके बाद वो विच भी स्पेक्टर्स की शिकार हो जाती है। वहीं मैजिस्ट्रेट के लोग लगातार जंगल में आगे बढ़ रहे थे, जो कुछ देर बाद ग्रम्मन और ली को देख लेते, जहां दोनों के बीच काफी गोलियां चलती है। जीसी बीच ली का एक पैर गोली लगने की वजह से घायल हो जाता है, इसलिए अब ली तय करती है कि वो यही रुककर मैजिस्ट्रेट के लोगों का सामना करेंगे और फिर ग्रूमैन से बैरियर को ढूंढ कर लीरा की रक्षा करने का वादा लेते। पर ग्रूमैन ली को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई रास्ता भी नहीं था। ली अब अपने गोलियों से मैजिस्ट्रेट के लोगों का काफी डटकर सामना करता है, पर अब उसकी गोलियां समाप्त हो रही थी और वो काफी घायल भी हो गया था। लेकिन तभी सेराफिना को एहसास हो जाता है कि ली मुसीबत में है, इसलिए वो उसे बचाने निकल पड़ती है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ली लड़ते लड़ते शहीद हो चुका था। इधर विलियम जब सो रहा था तब उसे एहसास होता है कि उसके पिता कहीं आसपास है, इसलिए वो लीरा को सोता छोड़ अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है और भाग्य से उसे उसके पिता मिल भी जाते, जहां दोनों एक दूसरे को इतने सालों बाद देखकर खुश हो जाते। वहीं इधर विलियम और सेराफिना की नामौजूदगी में मिसेस कोटलर वहां आती है और फिर लीरा को एक बक्से में बंद करके अपनी दुनिया के लिए निकल जाती है, जिससे वो लीरा को आने वाले युद्ध और मुसीबतों से बचा सके। वहीं विलियम अपने पिता से जवाब मांगता है कि वो इतने सालों से क्यों नहीं लौटे, पर ग्रूमैन समझाते हैं कि अभी इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब विलियम एक बैरर है और उसका इस युद्ध में बहुत बड़ा किरदार है। जिसके बाद वो विलियम को नाइफ लेकर रीजल की मदद करने को कहते, पर विलियम इन सब चीजों में उलझना नहीं चाहता था, वो तो सिर्फ अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता था। लेकिन तभी मैजिस्ट्रेट का एक आदमी विलियम पर फायरिंग करता है और विलियम को बचाने के लिए उसके पिता
गोली के सामने आ जाते है, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब बेचारे विलियम को अभी अभी उसके पिता मिले ही थे, जो अब चले भी गए। इसलिए प्रतिशोध की आग में विलियम तय करता है कि वो अपने पिता की मौत का बदला लेकर ही रहेगा और युद्ध में लीरा और एजल की मदद जरूर करेगा। जीसी शपथ के साथ ये सीजन 2 यहीं समाप्त हो जाती है। पर अब अगर आपको इसके अगले सीजन का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है नहीं। वहीं अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी पसंद आई है तो इसे लाइक करना ना भूलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो के एक्सप्लेनेशन पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।